काश मेरी फूल जैसी बच्ची भी इस फूल की तरह खिल उठती। मॉम, मॉम, आप जरा जाकर पापा को संभालिए, अपने कमरे में बैठे फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मॉम, मीरा की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। जैसे डैड उसे संभालने लगे तो वो बोली कि अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो मेरी विदाई का वक्त आ गया है और आप लोग मेरी विदाई की तैयारी कीजिए। मॉम, आप जाकर पापा को संभालिए प्लीज, मैं जाकर मीरा को संभालता हूँ। हेलो, और क्या हो रहा है हमारी बेटी के साथ? भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? कैसे? मिस्टर अवस्थी, संभालिए अपने आप को। भगवान पत्थर में बसते जरूर है, लेकिन उनका दिल पत्थर का नहीं होता। भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, लेकिन जो हम यहाँ भुगतते हैं वो हमारे कर्मों का नतीजा है। शायद मीरा की बीमारी मेरे बुरे कर्मों का नतीजा हो। नहीं, रुको, ये क्या कह रही है? मैं भगवान को बहुत कोसती थी, शायद खुद से भी ज्यादा, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? डॉक्टर सक्सेना का फोन आया था, वो कह रहे थे डॉक्टर मुंद्रा, जो दुनिया के बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मुंबई आए हुए हैं। कल उनका एक सेमिनार है, हमें वहीं बुलाया है। रुको, क्या हमारी मीरा ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी? मौसा जी, हम सोच रहे शाम की गाड़ी से वापस चले जाएं। कमाल है मंजीते, अभी आए अभी जा रहे हो, ये बात क्या है? और नहीं तो क्या, हमें मेहमान नवाजी का मौका तक नहीं दिया और जाने की तैयारी भी कर ली। भाई मुझे तो लगता है तुम लोग किसी काम से आए थे और वो काम बिना किए हुए जा रहे हो। हाँ जी मौसा जी, आए तो थे हम जरूरी काम से, लेकिन क्या है ना, आपकी ये ठाट बाट देके हमें नहीं लगता कि आप हमारे किसी काम आ पाओगे। कमाल की बात कर रही हो मंजीते। भाई हम लोग तुम्हारे काम आ सकें, इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए क्या होगी? वैसे ये जो ठाट बाट देख रही हो, ये सब दिखावा है, ये तो तुम जान ही गई हो। अब तुम खुल के बताओ कि हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। मौसा जी, सेवा ऐसी जिसमें मेवा ही मेवा है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं 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 मंजीते, भाई हरपाल जैसा खूबसूरत लड़का, नौजवान लड़का तुमको चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ये मैं तुमको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे गारंटी पेपर्स पे चाहिए। पेपर ले आओ, ले आओ। लो जी मौसा जी, पहले से तैयार करा के रखे हैं। ये पेपर क्या है? इस बात की गारंटी है मौसा जी कि आप हमारे कहे मुताबिक चलेंगे और आपकी किस्मत हमारी मुट्ठी में कैद रहेगी। भाई ये पेपर्स तो कानूनी हैं, जब तक मैं इन्हें पढ़ नहीं लूंगा मैं साइन नहीं करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सोच समझ लीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, क्या है ना हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, जल्दी करते हैं। आ जा बेटा।
पापा जी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जल्दी से साइन कर दीजिए, उसके बाद अपनी ऐश की ऐश है। चुप, तुम तो समझ रहे कि मुझे किसी और की चेकबुक मिल गई है और मेरे साइन कर देने से मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। हाँ वही ऐश ही ऐश है। ऐसा ही है पापा जी। अरे मंजीत ये कानूनी पेपर लेके घूम रही है, मुझे तो कोई गेम बड़ी लग रही है, अगर गलती से हमने कोई बेवकूफी कर दी ना आगे जाके फंस जाएंगे, समझा? पापा जी आप हमेशा सीधे मामले में उल्टा क्यों सोचते हैं? अरे फंसेंगे तो वो लोग, सिर्फ एक बार मेरी शादी उनकी भतीजे से हो जाए बस, उसके बाद मेरी शादी में वो लोग शहनाई बजाएंगे और शादी के बाद मैं उनकी बैंड बजाऊंगा। आंटी रिलैक्स, चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। भगवान से दुआ करो पंचम कि डॉक्टर मुंद्रा मीरा का केस ले लें। आंटी वो केस जरूर लेंगे, चिंता मत करिए। I'm sorry, रुक्मणी जी। डॉक्टर मुंद्रा बड़े अजीब किस्म के कैरेक्टर निकले। क्या हुआ, उन्होंने मीरा की केस फाइल देखने से भी इनकार कर दिया क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर कुछ लोग उन्हें मिलने की कोशिश करेंगे, इसलिए जैसे ही स्पीच खत्म हुई वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। लेकिन हाँ उन्होंने कैंसर पर ही स्पीच दी है, एंड ही इज अ जीनियस। मेरे ख्याल से हमें किसी भी हाल में डॉक्टर मुंद्रा से फिर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मुंद्रा ही मीरा की जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। प्लीज़ ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। होगा, देखो मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। Enough is enough. एक मिनट रुको, मैं भी पुलिस को फोन करता, पीछे पड़ा हुआ है। ये कोई तरीका है किसी को परेशान करने का, घर में घुस आते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं डॉक्टर मुंद्रा बोल रहा हूँ, मेरे घर में एक इंट्रूडर घुस आया है, आप फौरन आइए और उसे अरेस्ट कर लीजिए। जी हाँ मैं वही डॉक्टर मुंद्रा बोल रहा हूँ जी, पता नोट कीजिए। आपको मेरा पता मालूम है, थैंक यू सो मच, आप जल्दी आइए प्लीज। जस्ट वेट एंड वॉच, अब तुम्हें पता चलेगा यंग मैन कि डॉक्टर मुंद्रा को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। सिक्योरिटी, 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 यस। अरे ये यहां कैसे आया? यही सवाल तो मैं तुमसे करना चाहता था कि ये अंदर कैसे आया। सर इसमें इनका कोई दोष नहीं है, मैं एक्चुअली दीवार लांग कर आ गया था। हाँ गेट क्रॉसिंग, हाँ गुड, वेरी गुड, इसे पकड़ के रखो, पुलिस आती होगी, जैसे पुलिस आए इसे पुलिस के हैंडओवर कर देना। सर देखिए मैं कहीं नहीं भागूंगा, पुलिस अगर आ रही है तो उन्हें आने दीजिए, पर तब तक आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। देखिए सर प्लीज, सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। सर छोड़ो इसे, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम, बोलो। थैंक यू सर। देखिए सर मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है मीरा, उसको कैंसर है, क्या आप प्लीज मीरा से सिर्फ एक बार मिल लीजिए। नो वे, नो वे सर प्लीज, हमारे चारों तरफ निराशा का अंधकार फैला हुआ है, इसमें उम्मीद की किरण सिर्फ आप हैं। अगर मेरी खातिर नहीं तो आप इंसानियत के नाते मीरा को सिर्फ एक बार देख लीजिए।
देखो यंग मैन, मैं तुम्हें दो बातें बताना चाहता हूं। पहली ये कि मैं अपनी वकेशन में सिर्फ और सिर्फ वकेशन बनाता हूं, रिलैक्स करता हूं, कुछ और नहीं करता। और जब मैं छुट्टियां मनाने के मूड में होता हूं तो मैं किसी भी तरह का सीरियस मैटर लेकर हेडेक नहीं पालता। और दूसरी बात वो ये कि मैं एक रिसर्च करने वाला हूं, रिसर्च करता हूं, कोई डॉक्टर नहीं हूं जो किसी पेशेंट का इलाज कर सकूं। अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड से हमदर्दी है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाओ, वो ठीक हो सकती है। सर पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मुंद्रा। गुड मॉर्निंग। क्या यही है वो? जी हाँ यही है वो। अल्लाह सर देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार आपको मीरा को मिलना ही पड़ेगा सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर। सर देखिए सर, मेरी विनती है प्लीज सर, सर प्लीज सर। आओ मासा जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हरपाल आओ, आ जाओ, आ जाओ। बाबूजी इनसे मिलिए, ये मेरे मौसा जी प्रितपाल। नमस्ते जी। उनके बेटे हरपाल। हाँ जीते रहो। बाबूजी इनका अमेरिका में अच्छा खासा बिजनेस था। था लेकिन अब नहीं है। वक्त वक्त की बात है मामा जी, सीधे लोगों का तो जमाने ही नहीं है। मौसा जी के पार्टनर ने इन्हें धोखा दे दिया और ये लोग बर्बाद हो गए। जी बर्बाद जरूर हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारे। बहुत खूब, ये हुई मर्दों वाली बात। वैसे आप लोग अभी रह कहाँ रहे हैं? जी मुंबई। मुंबई में? बाबूजी दरअसल क्या है, रहते ये मुंबई में है लेकिन ये हमारी चाची जी के वहाँ आए थे हमसे मिलने के लिए, तो हम इन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे साथ लेकर आ गए। बहुत चंगा किया पुत्र, आप दोनों भी सफर से थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए फिर सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मंजीत पुत्र आइए आपको आपका कमरा दिखा दें। आओ मौसा जी, आओ हरपाल आ जाओ। जी लीजिए पंचम की जमानत के पेपर्स। ठीक है सदानंद बैठे। जी पंचम को लेकर आओ। आपका बेटा इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसी हरकत करता है, इट्स रियली शेमफुल। आई नो इंस्पेक्टर, लेकिन मजबूरी में कभी कभी आदमी से ऐसे कदम उठ जाते हैं। आइए ले लीजिए, यहाँ सिग्नेचर कीजिए और आई होप कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। मेरी समझ में नहीं आता पंचम कि तुम मीरा से दूर क्यों नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें इतना समझाया, इसके बावजूद उन्हें पता चलेगा तो पता क्या होगा। राजश्री इसने तो अपने कदम रोक लिए थे लेकिन मौत मीरा के इतने करीब आ गई कि जाकर भी अब ये अपने कदम नहीं रोक पा रहा है। अच्छा अब चलो, नवरात्रि का उपवास खत्म करके रामनवमी की पूजा की तैयारी करनी है। नवरात्रि का उपवास? हाँ इसने मीरा की सलामती के लिए रखा था। ये लड़का फरिश्ता है, मीरा से दूर रहकर भी मीरा के अलावा ये कुछ नहीं सोचता। हे भगवान, एक तरफ मीरा है और एक तरफ राधिका और बीच में मैं, लेकिन भगवान मैं इन्हें अपने अगल बगल लेकर नहीं चल सकता और ना ही मुझे चलना चाहिए। भगवान मुझे बीच से उठा लो तो शायद मीरा और राधिका एक दूसरे को ठीक से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। मीरा तो समझती है भगवान, पर राधिका, राधिका को सद्बुद्धि देना भगवान, और मीरा को जिंदगी। राम जी आपकी वजह से सीता माँ को तो दो बार वनवास मिला था, पर मेरी वजह से दो लोगों को वनवास नसीब मत करवा भगवान, मत करवा। रुको रुको, तुम्हारे पास डॉक्टर साहब का कोई दूसरा नंबर है? मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन नॉट रिचेबल आ रहा है।
क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो मीरा को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्या सोच रही हो? नंबर दो ना मुझे। मिस्टर अवस्थी, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारी मीरा हमसे दूर और मौत के करीब जा रही है। ये क्या मनहूस बातें कर रही हो तुम? डॉक्टर ने कहा था जब मीरा को धुंधला धुंधला दिखने लगे तो समझ लेना सब कुछ खत्म। क्या? नहीं, नहीं। रुको, डॉक्टर साहब को जरूर गलतफहमी हुई है। अरे कमजोरी की वजह से किसी की भी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? रुको, नहीं मिस्टर अवस्थी, संभालिए अपने आप को। संसार ममता बेड़ी काट दे, हो जा भव से पार, हो जा भव से।